ये चलो कनेक्ट कर लिया हमने, ये है हीरा 3 जी। टावर के अंदर 2000 रुपये से हमारा स्टार्ट हो जाता है। ये आपको नॉर्मली 3 IC में मिलता है सब जगह। अच्छा जी। पर मैं इसको भी 4 IC के अंदर बनाता हूँ, लेकिन इसके अंदर भी आपको भरपूर बेस मिलती है। जो रोलिंग बेस फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर इन्वेंट की, वो फ्लो बीट्स ने की है। यहाँ पर आप डबल टावर देख रहे हैं, 10-10 इंची 135 मैग्नेट मिलती है इसके अंदर, सब वूफर के अंदर। अब मैं बार बार क्यों मैग्नेट की बात करता हूँ, क्योंकि 10 इंची 12 इंची 15 इंची में आपको उलझा दिया जाता है और आप भी खुश होकर सिस्टम ले आते हैं। सही बात है। बट आप बेस की तरफ ध्यान नहीं देते, आप दे भी क्यों, क्योंकि आपको लगता है यही बेस एंड है। पर याद रखना, बेस का कोई एंड नहीं है, बेस का जब भी एंड होगा वो फ्लो बीट्स में ही होगा। आपको 4-4 इंच के 2 ट्यूटर मिल जाते हैं, यहाँ 60 मैग्नेट रहता है, तो यहाँ पर भी आपको 60 मैग्नेट ही मिलती है। हाइट की बात करें तो 38 इंच की हाइट रहने वाली है। भाई साहब ये तो है बिल्कुल अजगर है, सब कुछ निकल रहा है बिल्कुल। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप लोगों का एक और वीडियो में। लेकिन आज की जो वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, और सारे जितने भी यंगस्टर हैं, यंगस्टर के अलावा बोलना चाहूँगा जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो भी फ़ैन हो चुके हैं फ्लो बीट्स के साउंड का, बेस का। क्योंकि जितने भी लोग अभी यहाँ पे आए थे, जैसे मैं आज फ्लो बीट्स पे आया हूँ, तो सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन कराता हूँ जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। बाकी ऑलमोस्ट आधा हिंदुस्तान जानता है हमारे जतिंदर पाजी हो जी। तो पाजी जैसा अपना काम है स्पीकर्स का जी, बहुत लोगों का काम है स्पीकर्स, दिल्ली के अंदर देखा जाए तो स्पीकर्स का एक मार्केट भी है पूरा, जहाँ स्पीकर ही स्पीकर मिलते हैं। राइट। लेकिन पाजी बिल्कुल अलग बैठे हुए हैं, और अलग बैठने के बाद भी नाम कमा लिया है। क्यों कमा लिया है? क्योंकि क्वालिटी देते हैं, क्वालिटी मेंटेन कर रखी है बिल्कुल। आपने देखा होगा कि लाइन लगती है आईफोन को खरीदने के लिए जब लॉन्च होता है, उसके बाद 10 दिन चलती है, 20 दिन चलती है। राइट। लेकिन पाजी की 6 महीने से चल रही है बुकिंग एक चीज़ की। पाजी कौन सा मॉडल है वो अपना? हीरा 3 एंड हीरा 3 प्रो की। ये ऐसे स्पीकर हैं कि ना, ये अगर आप 60 से 70-1 लाख रुपए तक का भी अगर जो सिस्टम आप अपने कार्स में लगवाते हो, वो सिर्फ ये कितने में दे देता है? वही वाला सारा का सारा ये आपको सिर्फ 13,000 रुपये मिल जाता है। वही मज़ा 13,000 रुपये में दे देता है। तो पाजी इसके अलावा अपने पास और क्या क्या मिल जाता है स्पीकर की अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ? 499 रुपीज़ का मल्टीमीडिया स्पीकर मिल जाता है। 499 जी। और देखो 499 में ऐसा नहीं कि खाली लोग कहते कि स्पीकर दे दिया ऑक्स लगा के चलाओ, वो गफार वाला सीन नहीं है। नहीं, प्रॉपर यहाँ पे आप अपने मेमोरी कार्ड वगैरह चार्ज के साथ सब कुछ, पेन ड्राइव वगैरह सब इस पर लग के काम करता है। हाँ। चलिए तो चलिए पाजी, आप कौन से स्पीकर सबसे पहले चालू करने वाले हैं? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, टावर के अंदर 2000 रुपये से हमारा स्टार्ट हो जाता है। 2000 रुपये के अंदर? जी हाँ। अभी आपने एक बात की थी कि हटके बैठे हैं, और हटके ही है क्वालिटी बिल्कुल, लाइन भी लगती है हमारे यहाँ। रीज़न उसका ये है कि ये जो 2000 रुपये वाला भी है, ये आपको नॉर्मली 3 IC में मिलता है सब जगह। अच्छा जी। पर मैं इसको भी 4 IC के अंदर बनाता हूँ, लेकिन इसके अंदर भी आपको भरपूर बेस मिलती है। साथ ही साथ मैग्नेट जो होता है, सब वूफर या बूफर जो भी यूज़ होता है, उसका मैग्नेट भी हम लोग नॉर्मली जो आपके सिस्टम होते हैं मार्केट के, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हैवी ही रखते हैं। अच्छा जी। उसके अगर आप बात करें इस प्रोडक्ट की एज कम्पेयर टू मार्केट, तो वहाँ आपको 70 का अगर मैग्नेट मिलता है, तो इसके अंदर हमने 80 का मैग्नेट यूज़ किया है। अब अगर बूफर के अंदर मैग्नेट बड़ी है, तो उसको पंच देने के लिए पीछे जान भी चाहिए, यानी कंपोनेंट्स हैवी चाहिए, जैसे ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर भी जो है नॉर्मली अगर आप 1 नंबर होता है आपके पास, तो हम 1.5 नंबर यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो ये चीज़ें हमें जो है हटके बनाती हैं, सिंपल चीज़ें, इन्हीं की वजह से बेस अच्छी आती है और आप हमारे पास इतनी दूर दूर से आते हैं। बिल्कुल। तो प्राइस का 2000 रुपये। बाकी आज जो है ज़्यादा मॉडल को ना बताते हुए मैं सिंपल आपको हीरा 3 प्रो पर लेकर चलता हूँ सीधा। हम बात करते हैं हीरा 3 की बात करें तो, जैसा कि आज से 1 साल पहले मैंने बोला था कि एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जो इंडिया की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। अच्छा। होगा भी ऐसा, क्योंकि मैंने ये 2 मॉडल्स बिना दिखाए और सिर्फ आपको साउंड सुना के वीडियो के थ्रू मैंने 150-100-150 से ऊपर की बुकिंग्स ली थी, और आप लोगों ने भी बहुत प्यार दिया, और आज भी जो है आप लोग बुकिंग्स दे रहे हो और 45-50 दिन की वेट भी करते हो प्रोडक्ट को लेके। बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रोलिंग बेस, जो गाड़ियों वाली बेस होती है हमारी, जो आप गाड़ियों के अंदर फील करते हो, वो मैं घरों के अंदर लेके आया, और जो वाइब्रेशन जो गाड़ियाँ हिलती हैं, वही मैंने घरों के शीशे हिलाए, यहाँ तक कि मैंने अपने शीशे तोड़ के भी दिखाए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको दिखाऊंगा भी आज बाहर के अंदर। तो बस यही चीज़ है कि फ्लो बीट्स दूसरों से हटके है, जो रोलिंग बेस फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर इन्वेंट की, वो फ्लो बीट्स ने की। यहाँ पर आप डबल टावर देख रहे हैं, 10-10 इंची 135 मैग्नेट मिलती है इसके अंदर, सब वूफर के अंदर। अब मैं बार बार क्यों मैग्नेट की बात करता हूँ, क्योंकि 10 इंची 12 इंची 15 इंची में आपको उलझा दिया जाता है और आप भी खुश होकर सिस्टम ले आते हैं। सही बात है। बट आप बेस की तरफ ध्यान नहीं देते, आप दे भी क्यों, क्योंकि आपको लगता है यही बेस एंड है। पर याद रखना, बेस का कोई एंड नहीं है, बेस का जब भी एंड होगा वो फ्लो बीट्स में ही होगा।
यहाँ पर 5-5 इंच के दो मिड रेंज आपको मिल जाते हैं, जबकि नीचे आपको 4-4 इंच के दो ट्यूटर मिल जाते हैं। यहाँ 60 मैग्नेट रहता है, तो यहाँ पर भी आपको 60 मैग्नेट ही मिलती है। हाइट की बात करें तो 38 इंच की हाइट रहने वाली है। कैबिनेट यहाँ की नहीं, वुडन जो है इसकी थिकनेस, मोटाई जो है वो 13 mm होती है। कैबिनेट की वुडन की थिकनेस का बहुत बड़ा रोल रहता है जब भी हम बेस की बात करें या किसी सिस्टम की बात करें, क्योंकि जितना उसको चाहिए उसकी बेस को थिकनेस उतनी ही उसको देनी चाहिए, ना ओवर होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर 13 mm है। और सर्किट की बात आया थी अंदर के, सर्किट इसके अंदर कौन सा सर्किट जो है, मॉस्फेट यूज किया गया, और बहुत ही बड़ा हैवी सिस्टम के अंदर जो है सर्किट यूज किया गया, जिससे कि आप लॉन्ग टाइम तक प्ले करें और आपको बेस की ड्रॉपेज नहीं मिलेगी इसके अंदर। मैं एक बार इसको प्ले कर देता हूं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका। बिल्कुल। और इसके लिए पाजी कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? सिर्फ 11,000 रुपए। 11,000 रुपए जी हाँ। हेडफोन या ईयरफोन लगा के रखिएगा, आपको जो है यहीं से पता लग जाएगा कि बेस इसका कैसा होने वाला। और आज से पहले आपने कभी ऐसा बेस नहीं सुना होगा, जैसे ही इसका आप साउंड सुने तुरंत आप किसी और की वीडियो उठा के देख लीजिएगा और उसका भी जो है साउंड सुन लीजिएगा हेडफोन लगा के, आपको वहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा जी, बिल्कुल। ये तो, है तो ये मैं देख रहा हूँ कि क्या हो गया पाजी, अभी तो इतनी गर्मी तो है नहीं, आपने टिश्यू निकाल लिया। अरे मेरे को बहुत गर्मी लगती है। तो चलिए एक टेस्टिंग देता हूँ आपको मैं। ये देखिए, बिल्कुल ये, चलो कनेक्ट कर लिया हमने। ये है हीरा 3 जी। भाई साहब ये तो है बिल्कुल अजगर है, सब कुछ निकल रहा है। बिल्कुल। तो ये जो बेस आपने सुनी, मैंने स्लो के अंदर सबसे पहले रखा था। हाँ। स्लो के अंदर मेरा मकसद क्या था आपको स्लो सुनाने का, कि जब भी आप सिस्टम को चलाएं स्लो वॉल्यूम के अंदर तो आपको तब भी पूरा भरपूर बेस मिलना चाहिए। रोलिंग बेस तो एक अलग चीज होगी जो आप अभी देखो पूरा कंपन कर रहा है, हालांकि मैंने एकॉस्टिक शीट्स लगवाई हैं यहाँ पर, खर्चा करने के बावजूद भी एकॉस्टिक शीट्स काफी महंगी लगी हैं ताकि साउंड और बेस रुक जाए, बट नहीं रुका। इसके बाहर जो आप नज़ारा देखेंगे कि पूरी खिड़कियाँ वगैरह हिलती हैं, तो ये इसीलिए यूज़ होती है चीज़ें। बाकी बात मैं इसकी करूँ सिस्टम की, तो प्राइस 11,000 रुपये है। बेस का मैंने आपको सिग्नेचर इसका बता दिया कि स्लो वॉल्यूम के अंदर भी आपको भरपूर बेस मिलता है। तो ये तो रही हमारी हीरा 3 की बात, अब आते हैं हीरा 3 प्रो पर। बिल्कुल। हीरा 3 प्रो की बात करें तो इसके अंदर आपको 6-6 इंच के दो मिड रेंज मिल जाते हैं और 4-4 इंच के दो ट्यूटर। साथ ही साथ इसमें अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको डिस्प्ले मिल जाती है 5.0, और यहाँ पर आप देखेंगे तो पेन ड्राइव लगा सकते हैं। टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए भी इसका पोर्ट दिया गया है बैक साइड से। कंट्रोल्स इसके सारे पीछे, बेस ट्रबल आप कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोट के साथ भी आप जो है बेस ट्रबल कंट्रोल कर सकते हैं इसका, इसमें ऑप्शन दिया गया है यहाँ। और 10-10 इंची 4 सबवूफर है 120 मैग्नेट के अंदर। बहुत ही हैवी बेस है, नॉर्मल घरों के लिए नहीं है ये, जिनके घर में हार्ट के पेशेंट हैं वो इनको ना लेके जाएं, ये मेरी इनके लिए सलाह है। मतलब अपने आप ही कह रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये तो क्लियर है अभी कि ऐसे ही जगह ये प्रोडक्ट ना यूज करें या फिर स्लो वॉल्यूम के अंदर करें, स्लो बेस में करें। मतलब आज तक आपने जो डिस्क्लेमर देखा होगा, हम लोगों की वीडियो में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, जी पहली बार कोई दुकानदार डिस्क्लेमर दे रहा है। डिस्क्लेमर दे रहा है भाई, मेरा है ही हैवी बेस का मतलब ये है कि बिल्कुल एंड है बेस का यहाँ। बिल्कुल। तो इसको एक बार प्ले कर देते हैं। बाकी सर्किट की बात करूं तो मॉस्फेट सर्किट है। इस कैबिनेट की एक खास बात है, जो वुडन देख रहे हैं, नॉर्मल जितनी भी आप वुडन देखेंगे तो वो हमेशा बनती है पेस्टिंग के साथ, बट ये कीलों से बनती है क्योंकि बेस इतना ज़्यादा हैवी है कि कहीं कैबिनेट खुल ना जाए। अच्छा जी। जी हाँ, तो इसीलिए इसके अंदर जो है कीलों का यूज़ किया जाता है, साथ में पेस्टिंग भी होती है। अभी तो देखा जाए तो मतलब आधी भी हमने वॉल्यूम निकाली, हाफ वॉल्यूम भी मैंने फुल नहीं, क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है, 8:15 हो चुका है, 8:30, तो ज्यादा तेज नहीं कर सकते, बट आपको इतने के अंदर भी साउंड का समझ आ जाएगा कि बेस क्या रहने वाला है इसका। तो ये तो हो गया मेरा हीरा 3 प्रो। मैं सिर्फ आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी यहाँ पर आते हैं वो प्लीज़ अपनी बुकिंग्स करवा के आया कीजिए। आप लोग बिना बुकिंग के आते हैं और मैं आपको प्रोडक्ट नहीं दे पाता तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बाकी ये दो नंबर दिए गए यहाँ पर, आप लोग कॉन्टैक्ट करके जो है व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं तो कॉल मिस हो जाती है, उठ नहीं पाती, तो इसलिए आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए। डेफिनेटली हम आपको 5500 रुपये के अंदर में बहुत बढ़िया जो है वेरियंट है, जैसे कि एक आप ये देख लीजिए डबल टावर। डबल टावर ये डीप बेस के अंदर है, दो टावर हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल और एलिगेंस लुक है इसकी। जेड ब्लैक अंदर है लुक, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एयर पाइप आपको बहुत ही डिफरेंट किस्म के मिल जाएंगे। 8-8 इंच के दो इसके अंदर जो है सबवूफर्स दिए गए हैं, सामने यहाँ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और ये आपको जो है ब्लैंक पैनल मिल जाता है। तो ये हाइट की बात कर रहे हैं, इसकी 20 इंच हाइट है। डीप बेस होने के साथ साथ साउंड की क्लैरिटी बहुत ही ऑसम है इसके अंदर, मतलब एक एक आपको साउंड जो है क्रिस्टल क्लियर आएगा। एक बार मैं इसको प्ले कर देता हूँ ताकि आप इसका साउंड समझ पाएँ। आई
ये भी 5500 के हिसाब से बहुत जबरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर ये सबसे पहले तो मैं बताऊँ, 8-8 इंची दो सबवूफर होने के साथ साथ इसके अंदर जो आईसी मैंने 2050 नहीं यूज़ किए, मैंने 7294 आईसी यूज़ किए हैं, जो बड़े बड़े टावर में लोग करते हैं यूज़। अच्छा जी, तो बिल्कुल सिस्टम मैं बहुत कम बनाता हूँ, मगर वो ऐसे बनाता हूँ कि उनका कोई ना कोई मीनिंग हो, कोई थॉट हो, जब भी आपके घर में जाए तो आपको भी लगे यार कोई प्रोडक्ट पहुंचा है मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्राइस इसका 5500 है, 5500 के अंदर आपको जो है पंच बेस के अंदर जाना चाहें तो ये आपको 5200 रुपये का मिल जाता है 18 मॉडल। इसके अंदर भी 8-8 इंच के दो जो है बूफर्स दिए गए हैं और 7265 आईसी लगाई गई है। एक तो ऑप्शन ये हो गया आपके पास डबल टावर, एक डबल टावर में ऑप्शन आपका ये आ जाता है 3131 मॉडल, 3131 जी हाँ। इसके अंदर आपको पंच बेस मिल जाती है और ये भी जेड ब्लैक लुक के अंदर है, डबल टावर 28 इंच की हाइट है, दोनों साइड 8-8 इंची के जो है बूफर देंगे, ये भी 7265 डबल आईसी के अंदर है। तो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप एलईडी के साथ लगाना चाहें या फिर घर के अंदर नॉर्मली यूज करना चाहें। तो वैरायटी तो मेरे पास बहुत है बट टाइम ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ आपको एक चीज ये कहना चाहूंगा कि घर में बैठे बैठे कहीं पर भी आप ऑर्डर करना चाहें तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ आपको फ्लोबिट्स देता है और उसकी ईएमआई बनवा के अपने बैंक के थ्रू आप ईएमआई में भी पे कर सकते हैं। अपा जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अगर कोई इतने पैसे खर्च कर रहा है यानी कि 13,000, 10,000, 5,000 तो क्या वारंटी वगैरह क्या रहती है? बिल्कुल सिंपल करता हूँ इस बात को भी, जब आप परचेज करते हैं उसके बाद आपको एक कस्टमर केयर नंबर प्रोवाइड होता है हमारे द्वारा, वो उनके लिए होता है जो हमारे कस्टमर बन चुके हैं। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो बना के भेजिए, आपको 6 मंथ की पार्ट्स की वारंटी दी जाएगी, आप वहाँ से जो है कॉन्टैक्ट करके पार्ट्स मंगवा सकते हैं अपने, और बाकी जो यहाँ पर है वो हमारे यहीं पर आके जो है रिप्लेस करवा के जा सकते हैं। और बाकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया है अपने? ऑल ओवर इंडिया है, टोटल 21,000 पिन कोड हम लोग कवर कर रहे हैं और टोटल 30 कोरियर कंपनी के साथ हम लोग जो है काम कर रहे हैं, जिसके अंदर डिलीवरी, DTDC, DHL भी आता है और एक्सप्रेस बीज है, FedEx, ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं हमारे साथ।